गुड मॉर्निंग गाइज़ कैसे हो आप सब वेलकम बैक तो हम लोग बॉम्बे पहुँचे थे वहाँ तक आपने देखा बॉम्बे मुंबई मुंबई बोलते हैं वैसे अब तो अभी हम एक्चुअली uh, जा रहे हैं टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन जहाँ हमें जाना है और uh, कहाँ हम स्टे करने वाले हैं वो सब अभी आपको आगे देखने के लिए मिल जाएगा फिलहाल हम लोग रास्ता भटक गए हैं थोड़ा सा एंड हम लोग पहुँच गए हैं वर्ली सी लिंक पे तो वर्ली सी लिंक है ये यह, यहाँ से होते हुए हमारे होटल की तरफ निकल रहे हैं हम लोग इसको कहते हैं सीलिंग, सीलिंग, यस यस, हम लोगो को जाना था दूसरे रास्ते से लेकिन मैप में डाला हुआ था हमने हमारा लोकेशन और बीच में आ गया प्रशा का एक कॉल जिस वजह से हम वो रास्ता मिस कर गए अब हम बर्ली सीलिंग से जा रहे है सो so, ये जो ट्रिप है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी वेल प्लान्ड है बिकॉज़ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं जो मतलब बहुत सालों से हमने मतलब विवेक ने सोची थी वो होने जा रही हैं तो बिल्कुल भी आप ये व्लॉग मिस आउट मत करना फिलहाल मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ आज हमारे रूम टूर का जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं वहाँ का कंप्लीट रूम टूर देने वाली हूँ आपको एंड रेस्ट ऑफ द व्लॉग्स तो आएंगे ही अभी चूँकि मैं हॉलीडे पर हूँ अपलोड करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि कवरेज मिलता है नहीं मिलता है बट आज आपके लिए मैं ये रूम टूर लेके आई हुई हूँ हम लोग आए हैं मुंबई नाम की कंट्री में एज सेड गाइस गलती से बोला गया <laughs> कह रहे हैं मुंबई मम्मी बहुत ही अच्छी कंट्री है yes. ये <laughs> सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच बस थोड़ी सी दूरी पे हैं हम जहाँ पहुँच रहे हैं अच्छा एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भई बॉम्बे के बॉम्बे में मतलब मुंबई में सासू सासूमा रहती है और उन्हीं के पास आपने अपना होटल भी ढूंढा है तो फिर आप उनके घर पे क्यों नहीं रहे जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है क्योंकि घर बहुत छोटा है शायद आपको ना पता हो तो बॉम्बे में मुंबई में मतलब मुझे बॉम्बे बोलने की आदत हो गई सॉरी मुंबई में घर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो टू स्क्वायर फीट समथिंग का सासू माँ का घर है जिसमें ऑलरेडी वो तीन चार लोग रहते हैं तो इसीलिए फिर नहीं पॉसिबल है ना तो वो ये भी एक रीज़न है और हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे जी हाँ ये है आईटीसी ग्रैंड सेंट्रल जो कि परेल में है और ये काफ़ी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है और यहाँ एक्चुअली यहाँ के बाद जो हम कहीं जाने वाले हैं ना वो होने वाला है विवेक के लिए बड़ा वाला गिफ्ट लेकिन ये भी बहुत अच्छा है दिस इज़ ऑल्सो अ फाइव स्टार प्रॉपर्टी एंड बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई है मतलब यहाँ आते के साथ ही एकदम मन फ्रेश हो गया देख के बहुत ही प्यारा रिसेप्शन है ये रिसेप्शन एरिया है पूरा का पूरा और वेरी ब्यूटिफुली डेकोरेटेड और बहुत ही मतलब हर एक चीज़ में अगर स्टार देने वाली बात हो तो फाइव स्टार ही देना पड़ेगा बिकॉज़ चाहे बात हो क्लिनलीनेस की या डेकोर की या किसी भी चीज़ की एवरी थिंग वॉज सो परफेक्ट लाइक एनी थिंग यू नो हर चीज़ बहुत ही

वी आर सो 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 एक्साइटेड बिकॉज जब लिफ्ट इतनी सुंदर है रिसेप्शन इतना प्यारा है तो फिर रूम कितना अच्छा होगा और फाइव स्टार प्रॉपर्टी में मैं अब से बहुत टाइम पहले रही थी सापूतारा का जो प्रॉपर्टी था वो लोग बोले थे कि फाइव स्टार है ऐसा किसी ने बोला था हमें बाहर लेकिन आई थिंक वो फाइव स्टार नहीं था वो फोर स्टार या फोर पॉइंट फाइव स्टार होगा लेकिन ये प्रॉपर्टी रियल में फाइव स्टार प्रॉपर्टी है मैं पहले बहुत पहले एक बार रह चुकी हूँ सो अमेज़िंग एक्सपीरियंस होने वाला है दोबारा से ये है आई टी ग्रैंड सेंट्रल लोअर परेल जहां पे मैंने रूम बुक किया है ये एक फाइव स्टार प्रॉपर्टी है टू नाइन जीरो थ्री रूम नंबर एंड यहाँ है, है अभी एंड ये एक स्वीट रूम है जो मैंने बुक किया है इसे रूम में एंट्री करेंगे वैसे है यहाँ पे एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रूम का डेकोर है मतलब ये छोटा सा क्या है मिरर है और यहाँ पे एक डेस्क है जिसके ऊपर ये कुछ रखा हुआ है बहुत ही प्यारा सा और सीरियसली डेकोर टू गुड ना कि मतलब आई जस्ट कांट बिलीव दिस ओ माई गॉड दिस इज गोइंग टू वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस बिकॉज ये को ज्यादा ही ब्यूटिफुल रूम uh, मिल गया हुआ है तो एंट्री पे देखिए आप अभी आपका हाँ स्वागत कर रहा है और यहाँ पे इस तरह से ये है और ये दोनों बह, बाहर घूम रहे हैं इन्हें बहुत मजा आ रहा है क्योंकि रूम बड़े प्यारे हैं लॉबी बहुत प्यारी है चलो बाद में मिलते हैं जरा मैं रूम का टूर दे दू sure. तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे हैं ये एक छोटा सा एरिया है इसके बाद हम जब डोर बंद करेंगे तो इस इसे कहते हैं यहाँ का जूनियर स्वीट रूम जिसमें ये किचन भी है आई वॉज नॉट नोइंग इट मैंने तो ये रूम बस स्क्वायर uh, फीट देख के बुक किया था क्योंकि सिक्स हंड्रेड समथिंग स्क्वायर फिट का था और बाकी के जो इनके रूम्स थे वो दिखा रहे थे थ्री हंड्रेड स्क्वायर फिट तो मुझे लगा नहीं थोड़ा बड़ा चाहिए बच्चों के साथ कंफर्टेबली रहने के लिए तो मैंने ये वाला बुक किया बट आई वॉज नॉट नोइंग दिस वॉज आई एम गोइंग टू गेट लिविंग रूम एज वेल एंड विद बेडरूम मुझे नहीं पता था डेकोर इज लाइक एनी थिंग आई कॉन्ट टेल यू गाइज मुझे कितना प्यारा लगा यहाँ का डेकोर तो यहां से जब हम एंट्री करते हैं तो इस साइड पे है हमारा ये डोर जहाँ से हम आए हैं तो प्यारा सा चीज़ है ये, ये है यहाँ पे इस तरह से और इसके सामने की साइड है यहाँ पे किचन छोटी सी सी जिसमें फ्रिज दिया हुआ है और ये छोटा सा बेसिन और ये यहाँ पे इंडक्शन भी है हम कुछ कुक भी कर सकते हैं यहाँ पे ओवन है एंड ये फ्रिज है और खाली है ये इसमें कुछ नहीं है कुछ नहीं है अभी इसमें बट कोई बात नहीं चिमनी भी दी हुई है मतलब कुछ कुक भी कर सकते हैं चाहे तो इसके बाद जब हम यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ आता है एक प्यारा सा लिविंग रूम ओ माई गॉड ये है लिविंग रूम और ये है सामने मसाज चेयर बोलते हैं ना इसे अभी यस yes. और यहाँ है बड़ा सा टीवी ये है इधर ये डेस्क तो ये एक डेस्क जैसा है नीचे कारपेट है yes. और ये इस तरह से यहाँ पे टीवी है और काफी बड़ा टीवी है आई थिंक ये कितना बड़ा है ये अभी समथिंग और यहाँ पे ये यह कुछ चीजें रखी हुई हैं यहाँ पे एक बॉटल है ये क्या है मिल्क ये सब टी वगैरह के लिए है कप्स हैं और ये है इनका देखिए ठीक है और यहाँ है चार बॉटल्स पानी यहाँ पे है कुछ वर्किंग डेस्क जिसपे बैठ के हम अपना कुछ काम कर सकते हैं बहुत सुंदर सा है ये बहुत अच्छा लग रहा है ना अभी ये वाईफाई है एंड uh, यहाँ पे फोन भी है और यहाँ ये सब स्कैन करने के लिए सब चीजें माय गॉड वाइन ग्लासेस समथिंग बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया इसके बाद देखिए यहाँ के ना डेकोर ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था बहुत प्यारा रूम है ये लैम्प हैं दोनों साइड यहाँ पे काउच है यानी कि सोफा और बहुत ही वेल well ऑर्गेनाइज है सब कुछ और यहाँ है बड़ा सा कर्टन इसके पीछे बाद में मैं दिखाऊंगी आपको क्या है और इधर है देखिए इस तरह से ये मसाज वाला चेयर सो दिस इज रियली ब्यूटिफुल दिस इज लिटरली ब्यूटिफुल लिविंग रूम देखते बन रहा है और अभी को बहुत पसंद आया है और जब से अंदर आया है मुझे थैंक्स पे थैंक्स बोल रहा है हाउ यू फीलिंग अभी हाँ व्यू देख लेते हैं तो ये हमारा जो रूम है दैट इज ऑन ट्वेंटी नाइन्थ फ्लोर ये ट्वेंटी नाइन्थ फ्लोर के ऊपर है और शाम के टाइम इसका व्यू बहुत ब्यूटीफुल लगेगा अभी तो ठीक है कॉमन हो एंड प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी है अगर कोई यहाँ आना चाहता है आई टी सी ग्रैंड सेंट्रल लोअर परेल आ सकता है बहुत प्यारा है लोकेशन और यहाँ पूरा ये एरिया में हम क्यों आए क्योंकि इस एरिया में विवेक की मम्मी रहती हैं और उनको ये एरिया पसंद है तो बैठ के देखो कैसा लगता है कैसा लग रहा है, देखो इसको। और इसको च... चलता भी, think, है ना ये पापा, पापा को चलाना आता होगा चल रहा है। यहां पे पीछे तो है। आपको कैसा लगा ये लिविंग रूम जरूर बताना चलिए अब चलते बेडरूम की तरफ तो यहाँ है बेडरूम ठीक है ये पूरा आपने देख लिया ना यहाँ से एंट्री उधर किचन यहाँ वर्किंग डेस्क ये पूरा लिविंग रूम और गायर तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज है वो हम आपको दिखाते हैं और ये है इनका बेडरूम ब्यूटीफुल रूम ब्यूटीफुल एंट्री करते हैं यहाँ साइड पे लैम्प है और एक छोटा सा साइड टेबल है ये एकदम बड़ा वाला किंग साइज बेड है और वहां पे भी पानी का बॉटल और ग्लास है और यहाँ पे भी पानी का बॉटल और ग्लास है दोनों बाजू हाँ और यहाँ पे भी पूरा से बड़ा कर्टन है ये एक सोफा दिया हुआ है काउच छोटा सा बैठने के लिए यहाँ पे भी टीवी है बाहर भी टीवी है एंड ये एक छोटा सा टेबल है और यहाँ का भी व्यू सेम ही रहेगा तो वो मैं आपको रात को दिखाऊंगी रात में आपको ज्यादा मजा आएगा यहाँ से रोड भी दिखाई दे रहा है देखिए हम कितना ऊपर है क्योंकि हम लोग हैं ट्वेंटी फ्लोर पे ऐसे में नीचे देख रहा हूँ <laughs> बहुत नीचे है पहली बार मेरे लाइफ में मैं इतने ऊपर रहने का एक्सपीरियंस yes. कर रही हूँ गाइस और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छा व्यू है सो so, पर्दा डाल देते हैं फिलहाल अच्छा। और, और अब हम आपको दिखाते यह हैं यहाँ का बाथरूम जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है देखना किसी को भी तो यहाँ बेडरूम में से ही जगह है अंदर जाने के लिए और यहाँ से जब हम अंदर आते हैं तो एक मिनट अभी मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे सेफ है मतलब लॉक करने के लिए ये है बेडरूम और यहाँ से इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए काफी बड़ा एरिया है जिसमें हमको मिल रहे हैं हैंगर्स कपड़े वगैरह लगाने के लिए यहाँ पे एक कांच हम रेडी हो सकते हैं और यहाँ पे पीछे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, पे आयन है आयन बोर्ड है और यहाँ पे सारी चीजें रखने के लिए जगह है यानी हमको एक किचन भी मिल गई आई एम रियली एक्साइटेड उठाओ भी फोन एंड ये है लगेज एरिया और यहाँ पे भी काफी सारे ड्रॉर्स वगैरह है रखने के लिए सामान एंड ये है हमारा वॉशरूम जो कि अभी दिखा रहा है दिखा तो यहाँ पे घुसते ही ये है टॉयलेट इधर है बाद एरिया क्यों कर रहे हो टॉयलेट के नाम पे ये बाद एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये है प्यारा सा बेसिन और यहाँ पे अभी की फेवरेट चीज है, ये? ये है ये? अभी की फेवरेट चीज दैट इज अभी तैरने वाला है रास्ते में बोल रहा था आज मैं तैरूंगा यहाँ पे मैं मैं स्विम करेगा ये? और ये है यहाँ पे कांच तैयार होने के लिए सो दिस इज ऑल अबाउट आर रूम और ये बाथरूम भी इन लोगों ने साथ में ही दिया है सो दिस इज समथिंग वेरी अमेजिंग तो गाइज़ कैसा लगा आपको हमारा रूम कमेंट करके बताइएगा और आगे के ब्लॉग बिल्कुल मिस आउट मत कीजिएगा बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमारे निकलने वाले हैं तीन दिन और बाकी के दिन हम कहीं और जाने वाले हैं जिसके लिए एक्चुअली हम यहाँ पे आए हैं तो बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा आज का ये रूम टूर वीडियो कैसा लगा बताइएगा मुझे पर्सनली आई का ये होटल बहुत पसंद आया आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं उसके लिए फॉलो कीजिए हमारा नेक्स्ट व्लॉग